कहते हैं क्वेटा की जो गयूर आवाम है वो कैसे ट्रैफिक को देखेंगे। ये हाल था जी जनाब, हम क्या क्वेटा की ट्रैफिक को सेटल करेंगे। क्वेटा की ट्रैफिक की उल्टी पुल्टी है। देखिए जी, एक सरकारी गाड़ी, ये दूसरी सरकारी गाड़ी। क्वेटा में आपको सरकारी गाड़ियाँ भरी मिलेंगी जनाब अली। लो जी, एक और सरकारी गाड़ी, जो रेड लाइट आप देख रहे हैं ये सरकारी गाड़ी है इसके पास। लेकिन हुकूमत के पास पैसा है गाड़ी खरीदने का, नो डाउट। ये कहते हैं जी, मुल्क जाता है तो जाए लेकिन शान शौकत ना जाए। चलें जी, देखें वो बाइक वाला क्लोजिंग। लो जी, आप भी आ जाएं। थैंक यू रास्ता देने के लिए, वरना भाई आगे ले आते हैं। लो जी, रानी पेट्रोल का बैग, यहाँ पे रानी पेट्रोल मिलता है। पाकिस्तान के वैसे तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ शहरों में मिल जाता है रानी पेट्रोल, लेकिन हाँ बकरा मंडी शुरू। इस दफ़ा जी बड़े महंगे बकरे मिल रहे हैं। लो जी, मेन जंक्शन समंगली रोड का। अब उस भाई ने जो एरो दिया है, अरे वाह 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 वाह, आपने तो वहाँ जाना है, लेकिन आप इस लाइन में क्या कर रहे हैं मोहतरम। चले हम आपको क्रॉस कर लें, इससे पहले आप रास्ता ब्लॉक कर दें। चलो जी, और देखेंगे। अब बेकी रोड है भाई, कहीं भी खड़ी कर दो गाड़ी, किसी को क्या पूछने वाला होगा तो पूछेगा ना। चलें भाई, चले भाई, हमें रास्ता दे दें। अल्लाह करे आप सारा दिन सारी रात यहीं पे खड़े रहें। लो जी, भूसा 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 भूसा, ये बड़ी हैवी मंडी लगी रही। ये हमारी फूड स्ट्रीट है, सब आप देख सकते हैं। किंग कॉन्ग, ओहो मार दे मार दे मार दे भैया मार दे, पागल ऐसे छोड़ दिया तूने, मार देना था। अरे वाह, आज हम वीडियो बनाने क्या निकले तो सब अपनी लाइन में खड़े हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम से, वरना तो यहाँ पे घुस रहे होते हैं। ईद की छुट्टियाँ मिलने वाली हैं और यहाँ के आधा क्वेटा खाली हो जाएगा जनाब अली, क्योंकि उसकी वजह यही है कि यहाँ पे क्वेटा जो आबाद है वो आधे ज़्यादा सेटलर्स हैं, ईद पे वो चले जाते। ओहो सरकारी गाड़ी, वाह वाह कल्टर जनाब, आई थिंक 21 लाख समथिंग। या सर कटे बाबा, ये एक दरबार है जी जनाब, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो लोग कहते हैं कि जी ये जगह बहुत भारी है, और इसमें मेरा दोस्त मुबशर भी बहुत बुरी तरह गिरा था, उसकी जो तशरीफ है वो तक छिल चुकी थी। एक्सीडेंट्स होते हैं यकीनन, वो तो आपकी गफलत में, ज़रूरी नहीं है कि सर कटे बाबा हर एक्सीडेंट के मौके पे उनकी दरबार हो, कहीं भी हो सकता है। ये हमारा सरीना होटल, ये उनके गार्ड्स। ओवरऑल अच्छा चल रहा है। पता है मैं क्यों बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ, असल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जो गयूर आवाम क्वेटा की है उनकी ट्रैफिक के ज़रा कवानीन तो चेक करें भाई। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। ये तो अभी असल में रोड खाली है और रश नहीं है, इस वजह से इजी पीजी ये सब चल रहे हैं। हाँ अच्छा क्वेटा में क्या, पूरे पाकिस्तान में आपको इंडिकेटर बाइक लाइट्स की बहुत कम ही मिलेंगी। हेलो, स्नैक बार बहुत मशहूर है यहाँ की, कौन आइसक्रीम बहुत मशहूर है इसका, बीफ बर्गर बहुत मशहूर है, इवन चिकन भी मशहूर है, जिसको बीफ पसंद तो वो बीफ खा लेता है, किसी को चिकन तो चिकन। जी ये जो मेन जिनार रोड है यहाँ पे तो भाई आपको कुछ मिलता ही नहीं है, मतलब रास्ता मिलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग होती है, पार्किंग के बाद डबल पार्किंग होती है, डबल पार्किंग के बाद आपको मिलता है सिर्फ ये रोड, जिसमें या आप बाइक गुजार लें या आप गाड़ी गुजार लें, जस्ट लाइक दैट। अरे वाह डबल वाले, अरे वाह डबल वाले।
लोग ईद की शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब व्लॉग को काफ़ी शॉर्ट कर देना चाहिए, जिस ये निकला था। देखते हैं मेरी वॉइस इसमें क्या आती है, और प्लस पॉइंट ये कि रिज़ल्ट कैसा आता है। मुझे पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और इतनी लंबी वीडियो देखना फिर एडिट करना, क्योंकि एडिटिंग मुझे कुछ ख़ास आती नहीं है। मस्त है कि क्योंकि बहुत सी चीज़ें ब्लर करनी है ना, जिस तरह कार नंबर होते हैं वगैरह वगैरह, इसको ब्लर करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो हाल ही नहीं है। हाँ, राइट हैंड को मुड़ जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। अरे यार, जब बारिश होती है यहाँ पे बड़ा ना समंदर का समान मिल रहा होता है, और समंदर को तो छोड़ो, सैलाब आया हुआ होता है इधर, गटर का पानी सारा। यार देखो हम कैसे क्रॉस करेंगे। अरे वाह भाई, अरे भाई, अरे भाई बच गए। चलो जी, आप भी बच गए। ओहो बच गए। अरे भैया चले जी, आप भी वन वे चले जाएँ। यही चीज़ गुड। कैमरे में आना चाहिए भाई। तो है जहाँ पे इंसाफ मिलता है, सो कॉल्ड इंसाफ, वो जी वो कचहरी है जी। लो जी आ जाए भाई, आ जाए। ये ले जी, और ले जी, और देखो भाई रास्ता ही ब्लॉक कर दिए हैं। कोई बात नहीं, सरकारी गाड़ी, ये गाड़ियाँ सरकारी क्यों देते हो भाई? बिजली का बिल भी इन्हें कम मिलता है, गैस का बिल भी इन्हें कम मिलता है। बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ इनके लिए आती हैं, रिलीफ इनके लिए आता है, और कहते हो भैया गाड़ी भी ले लो। ठीक है भाई, सबसे महंगा जा रहा, चावल बेचता है, अपने चावल बेच के घर जा रहा है। आई डोंट नो मेरा मोबाइल कितना शेकी है, जरा चेक कीजिएगा। गुड। आ जाए अंकल जी आ जाए, मार जाए अपने बच्चों। अरे वाह अंकल जी, क्या ड्राइविंग करते हैं आप। 2005 से 6 तक, सॉरी 5-6 से आई थिंक 14 या 15 में डबल सीटिंग जो थी वो ममनू थी क्वेटा में, कि आप डबल नहीं बैठ सकते भाई। बनी ही डबल के लिए होती है, और एक गरीब के लिए तो काफ़ी बड़ा सहारा होती थी कि जी कम खर्च में एक 70 cc और दो बंदों को एट अ टाइम ले जाती थी, क्योंकि तो उस पर पाबंदी थी, जगह जगह पे नाके हुआ करते थे। और ये जी हमारी कौमी असेंबली, बताना भूल गया, डबल सवारी के चक्करों में है या नहीं, बहरहाल यही कौमी असेंबली है। इतने इजीली अपने घर को जा रहे हैं, और बड़ा मज़ेदार। चले जी, ये किताब और कलम, लगता है कलम चोरी हो गई भैया, कलम चोरी हो गई। अरे वाह वाह, C200। ओके जी आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, इसको गलती से भी टच मत करना, 2-3 crore ऐसे ही ले देगा स्क्रैचेस के। वैसे BNCB है, किसी को मत बताना। अरे भैया सर्किट बाबा पहुंच गए रे बाबा। वाह अंकल, वाह 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 वाह, आप भी आ जाओ। बड़ा अच्छा टेक लिया है आपने लेफ्ट से राइट होने का, बहुत आला जी। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया जी, हमें एक पुल दे दिया, और इन बेवकूफ़ों को ये नहीं बताया कि भाई एक पुल का हिस्सा यहाँ पे भी दे दें। लेकिन उन्होंने बड़ा प्यारा सा रास्ता दिया कि जी इसमें एडजस्ट कर लें आप। कर रहे हैं भाई, थैंक यू, हम कब कुछ बोल सकते थे। कोयले ओए, बारबेक्यू अभी से शुरू, अभी तो ईद ही नहीं आई, बेचारे बकरे खड़े हुए बिकने के लिए, बिक ही नहीं रहे। हाँ थोड़ा बच्चा बने जाता हूँ, जब एक्साइटमेंट होती है, अक्सर दोस्त कहते हैं यार तू व्लॉग कर ले। जब व्लॉगिंग शुरू की तो दोस्त ही नहीं रहे, मतलब के दोस्त जो हैं वो किनारा कर गए, एक भाई गवादर पहुंच गए, क्या करें। मैंने यहाँ से कैदी भाग गया भाई, इतनी बड़ी खरदार तारों से जम मार के भाग गया, हिम्मत है उसकी।
लो जी लो जी, आ जाए अंकल जी, अंकल जी आप भी आ जाए। ओ ले ले ले, ब्रेक मार लें, आ जाए आ जाए आ जाए। अब जी हमें ऑफ रोडिंग करनी होती है, हमें अक्सर औकात कोयटा में ऑफ रोडिंग करने को मिल जाती है, क्योंकि हमारे रोड बड़े खुले और कुशादा रोड हैं। इट्स एन कैपिटल, इट्स कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, बहुत ही अलग किस्म का जी ऑफ रोडिंग मिल जाती है। आप बोलेंगे साइड में रोड है, वहाँ पर नहीं जा रहा, क्योंकि सामने गाड़ी खड़ी हुई है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। हाँ तो ऑफ रोडिंग मिल जाती है भाई करने को। लो जी एक और प्यारा सा खूबसूरत सा खड्डा, आए है आए है, जो आपके गुर्दों में जो पथरी होती है उसे एक दफ़ा हिला के बता देता है कि जी हेलो हाउ आर यू। ख्याल से भैया, ख्याल से भैया, ख्याल से भैया। बड़ी मुशक्कत का काम है भाई क्रॉसिंग करना, इतना आसान नहीं है। लो जी जज्बाती इंसान कौन है ये जज्बाती इंसान, ये रहा। अरे वाह नो पेड नंबर, वाह वाह। अरे चला जाएगा उसके अंदर, ओह उसकी चेन नहीं 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 पॉलिसी बुक नहीं नहीं नहीं, चला चला गया। लो जी अलिफ वाली गाड़ी, अब बे वाली गाड़ी हम देखेंगे कहाँ मिलती है। अरे वाह 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 वाह, ये क्या बन रहा है, सज्जियाँ बन रही हैं। ज़रा ट्रैफिक को देखें ना जी, यहाँ पे मार्केट बना दी जी और पार्किंग नहीं बनाई। ओ काबुल जान, काबुल जान फेमस रेस्टोरेंट ऑन समंगली रोड, अब उसके लिए ट्रैफिक पुलिस वाले को भी खड़ा कर दिया गया है जनाब। वेरी गुड, हाथ का इशारा बहुत आला, बहुत आला जी। सरकारी गाड़ी अगैन इशू, फेंके कचरा फेंके, अपने घर का कचरा ले आए रोडों पर फेंक दे, कोई मसला ही नहीं है। अरे वेट्स वाले अंकल क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रहे हैं, चलिए ये तो। अरे बिस्मिल्लाह, आप अपने बच्चों के साथ ऐसे रिस्क लेंगे अंकल, बहुत बुरी बात है। क्या जल्दी है भाई आपको, वो देखें मोटर फाइव वाले अंकल, वो देखें, वो देखें जी, टच कर दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकल, किसी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं। लगता है इनकी जो जोजा हैं वो इंतज़ार में, और इसीलिए वो जल्दी में हैं, बेचारी अकेली है। खैर चले जी, ये बेचारे ड्यूटी पर आ रहे हैं, ये यहाँ पे रुकेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, मतलब खैरात इकट्ठी करेंगे, अल्लाह इनके लिए आसानी फरमाए। कोई शौक से नहीं करता, कुछ शौक से भी करते हैं वैसे। हाँ चले जी, कोशिश करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग है। क्या जुल्फें तेरी। बहरहाल जी, लड़का था, लड़की ना समझिएगा, उसने बड़ी आला किस्म की जुल्फें छोड़ी हुई थी, लगता है तारिक मसूद साहब के फैन। अरे अरे वाह अंकल वाह, अलिफ वाह, बे पता नहीं कहाँ है, आपने तो कमाल ही कर दिया कट लेके, आपसे बड़ा ड्राइवर तो कोयटा में कोई होगा ही नहीं यकीन। मैंने तो आजमा लिया, देख लिया। चले जी इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, और देखते हैं कि क्या बनता है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और याद रखिएगा।